हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। हेलो चेक, हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आई होप आपको आवाज क्लियर आ रही होगी और पिक्चर भी क्लियर होगा। सब कुछ ठीक है और आज ज्यादा देर भी नहीं हुआ है। आज ज्यादा देर नहीं करने के पीछे का कारण भी है कि आज बहुत पहले से एकदम थे कि हाँ एकदम टाइम से आ जाए, क्योंकि बहुत सारा चीज पढ़ना है। अगर पिछला क्लास जो हम आपको दिए थे, जो कि 31 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का पूरा एक सेट दिए थे कि जिसको कि आपको पढ़ना है, एकदम नेसेसरीली पढ़ना है। एक बच्चे का सवाल भी आया था, जल्दी से बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे का सवाल भी आया था कि सर सिर्फ यही पढ़ना है। बोले नहीं, इससे ज्यादा भी पढ़ सकते हो, इससे ज्यादा ही पढ़ो, पर कम से कम ये जरूर पढ़ लो जिससे कि कम से कम 3 तुम बना सको वहां पे। और अगर ऊपर वाले की दया रही तो 3 तो मिनिमम मिलेंगे ही, 4 भी मिल सकते हैं, 5 भी मिल सकते हैं, 6 भी मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको 3 बनाने हैं, वो किसी भी तरह आपको बनना चाहिए। सर हम और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, जरूर पढ़िए। परंतु बहुत सारे बच्चों को जरूर ये नींद से जगाया होगा कि मेरा तैयारी कैसा है। देखिए दोस्तों, एक सच्चाई है, अगर अगर आज आपका कोई एग्जाम ले ले, अगर आज आपका कोई इस तीनों सब्जेक्ट का, चारों सब्जेक्ट का या पांचों सब्जेक्ट का एग्जाम ले ले और उसके बाद फिर से आपका एग्जाम 1 फरवरी को, 2 फरवरी को हो, आप मेरा विश्वास कीजिए, अभी जितना मार्क्स लाएंगे उसका 1.5 गुना मार्क्स उस समय लाएंगे। क्योंकि एक बार पहले झटका लगना जरूरी होता है। हमारे बिहार बोर्ड का प्रॉब्लम क्या है? हमारे बिहार बोर्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक बार 10th में जो परीक्षा दिए, बहुत इजी सिलेबस था, परीक्षा देकर के निकल गए, उसके बाद एक भी झटका आपको लगा ही नहीं। और किसी का हिम्मत भी नहीं है कि आपको झटका दे दे। जो आपको हिम्मत करेगा झटका देने का, आप उसी को झटका देके निकल लीजिएगा। चलो, ये हमसे सवाल पूछा, ये मेरा टेस्ट लिया, आज के बाद इससे बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों, एक बार ईमानदारी से सोच के देखो कि क्या आपको एक बार झटका लगना जरूरी है कि नहीं। एग्जाम से पहले आपको एक बार झटका लग जाए ना, तो एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। दोस्तों, वो जो एक बार मार्कशीट पे लिखा जाता है ना, वो जीवन भर कभी बदलता नहीं है, वो जीवन भर कभी बदलता नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो। अगर आप इंतजार में हो कि चोरी चल जाएगा, फलाना हो जाएगा, किसी तरह मार्क्स आ जाएगा, तो ये बस ऊपर वाले की दया पे है। लेकिन अपने तरफ से एक बार कोई आपको झटका आज भी दे दे तो आपका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, आज जो हम लोग आए हैं उसी झटके से उबरने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि यस सर, हमको लगता है कि कुछ कुछ चैप्टर्स में रिवीजन की बहुत जरूरत है। उसी में एक परमानेंट मैग्नेट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, परंतु बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम आपको आज सिखाएंगे। और आप कोशिश कीजिएगा कि उन सब चीजों को ध्यान में रखें। शॉर्ट में बताएंगे, छोटा बताएंगे, लेकिन आप उन सब चीजों को याद रखिएगा। और लास्ट में जाते जाते लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी जो इसके होने वाले होंगे, जो इससे रिलेटेड होंगे, वो भी आपको बता दिए जाएंगे। तो दोस्तों, क्या आप लोग रेडी हैं आज के क्लास के लिए और इस झटके से उबरने के लिए? ठीक है, बहुत बहुत सारे बच्चे अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, उनसे मेरा गुजारिश है ये गलती ना करें। तो दोस्तों, आप लोग बोल दें तो स्टार्ट किया जाए। Yes, आप रेडी हैं? और कल वाला लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो देखना ना भूलें, वो पूरी तरह से है, सब सारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सब कुछ बताया गया है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं परमानेंट मैग्नेट के बारे में। दोस्तों, एक चीज बच्चा वाला है, आपको क्या पता नहीं है परमानेंट मैग्नेट के बारे में? यस सर, हमको पता है। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? अस्थाई चुंबक जो किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सबको याद है ना। उसका कितना पोल होता है? 2 पोल होता है। लटकाते हैं तो किधर जाता है, उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम? सर उत्तर दक्षिण। चुंबक के पास जो 2 पोल होता है उसका नाम क्या है? सर नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये सब तो बच्चे वाली बातें हैं, एग्जैक्टली इसी बच्चे वाली बात से आगे बढ़ेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, परमानेंट मैग्नेट
ये सब ऐसा पदार्थ जिसमें लोहा कोबाल्ट निकेल इत्यादि पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है, ये सब अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। चलिए ये सब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? विद्युत धारा, याद कीजिए सोलेनोइड, कल भी बताए थे परसों भी बताए थे, ठीक है। सोलेनोइड जो होता है, सोलेनोइड के अंदर अगर आप एक लोहा का टुकड़ा रख दीजिएगा ना, तो वो चुंबक जैसा व्यवहार करने लग जाता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। VVI क्वेश्चन, आप सोचिए VVI इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या पदार्थ का उपयोग होता है, ये सब चीज इसमें आ गया, ठीक है। तो इसमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए, बढ़िया इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने के लिए ऐसा मटेरियल चाहिए जो कि आसानी से चुंबकीकृत हो जाए, मैग्नेटाइज हो जाए, जो कि आसानी से मैग्नेटाइज हो जाए, इजिली मैग्नेटाइज होने वाला। तो क्या होता है, जब ये एक सोलेनोइड है, ठीक है, इसके अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर है मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके अंदर कोई आदमी एक लोहा का टुकड़ा रख दिया, तो ये टुकड़ा धीरे धीरे क्या हो जाता है, चुंबकीकृत हो जाता है, मैग्नेटाइज, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। रिवीजन होना जरूरी है, दिमाग में बात आना जरूरी है। आपके पास नोट्स होगा, आपके पास गेस पेपर होगा, वो सब पढ़ो, जो चैप्टर का रिवीजन करते हैं उस सब चैप्टर से जुड़ी हुई क्वेश्चंस को जाके पढ़िए, मेहनत कीजिए, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। यही वह चुंबक जो किसी लौह चुंबकीय पदार्थ से बाहरी विद्युत धारा की सहायता से परिनालिका के उपयोग से बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। हो गया 2 मार्क्स का काम, हो गया। डायग्राम बना देना है थोड़ा सा दिखाने के लिए कि यस सर हमको ये सब चीज आता है, ठीक है। देखिए हो गया एक 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 क्वेश्चन, अभी तुरंत कितना मिनट हुआ है आया हुआ, उस पर ध्यान दीजिए और आप सोचिए कि हो गया, बन गया, ये करंट जाएगा, इधर नॉर्थ बन जाएगा, इधर साउथ बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। फटाक से जाना है, बनाना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, आ सकता है क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ जाएंगे फास्ट। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे एकदम कंटिन्यूअसली हर रोज जुड़ते हैं, तो आई होप जो भी बच्चे हर रोज जुड़ते हैं और एकदम ढंग से फिजिक्स में लाइव में जुड़ करके पढ़ना आप में जरूर खासियत है, जरूर आप मेहनती हैं, तो आप जरूर जुड़े और एकदम अच्छे से पढ़ाई करें, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे एक सेकेंड के लिए, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस के बारे में, तो अभी ऑफलाइन क्लास से जुड़ी हुई जो भी चीज जानकारी है वो 21 तारीख के बाद ही सरकार बताएगी। हम लोगों ने बहुत सारा कोशिश किया पता करने का, तो ऑफलाइन क्लासेस के बारे में जो भी बातें होगी वो 21 जनवरी के बाद पता चलेगा। तब तक जो न्यू 12th वाले भी हैं उनका ऑनलाइन क्लास जारी है, अगर आप ऑनलाइन क्लास में जुड़े हुए हैं तो आप क्लास कर सकते हैं, सुबह 10 बजे और 5 बजे दो टाइम में अभी क्लास चल रहा है ऑनलाइन 12th वाले का, ऐप पे, वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स ऐप पे। अगर कोई बच्चे इस जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं तो उनको हम ये जानकारी दे दिए, बाकी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां देखिए अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का प्रॉपर्टीज क्या है आपको पता है, ध्यान से सुनिएगा, फास्ट में समझ में आ जाएगा। ये बोलिए ये एक चुंबक, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ठीक है, इसको ऐसे करके तोड़ दीजिए तो ये दो टुकड़े में बट जाएगा, और दो टुकड़े में बटने के बाद क्या होगा, तो जानते हैं क्या, यहां नॉर्थ होगा, ये साउथ, क्या ये सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं, राइट और रॉन्ग जल्दी जवाब दीजिए। राइट और रॉन्ग, ये रॉन्ग बनाए हैं कि राइट, जल्दी ये पहले जवाब दीजिए, बहुत जल्दी ऑब्जेक्टिव का भी शुरू होने वाला है,
दोस्तों आज आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं कि एक बार मॉडल सेट का हम अपने से सॉल्यूशन करवा दें? जितने भी बच्चे चाहते हैं कि मॉडल पेपर का अपने से सॉल्यूशन हो जाए, हम करवा दें एक बार, कम से कम ऑब्जेक्टिव का। शॉर्ट आंसर का भी बता देंगे आंसर्स, लेकिन एक बार ऑब्जेक्टिव का जो भी बच्चे चाहते हैं कि सर मॉडल सेट, बहुत सारा बच्चा का कहना है, तो आप एक बार बता दीजिए किसको मन है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव एक बार हमारे द्वारा देखने का, तो वो भी कर दिया जाएगा। पहले ये बताइए, तो ये तो रॉन्ग है, रॉन्ग रॉन्ग। चलिए, दोनों तरह का जवाब आ रहा है, यस भी आ रहा है, यस आ रहा है उसके लिए, चलिए बहुत अच्छी बात है। मेहनत बढ़वाते जाइए, टीचर को पूरा खटवाइए, ठीक है, खटवा खटवा के उसको मजा चखा दीजिए। अच्छा चलिए ये बताइए, तो अब ये राइट हुआ कि नहीं हुआ? तो कोई भी चुंबक जब दो हिस्से में टूटता है ना, तो उसका दोनों पार्ट डायपोल तैयार होता है। क्या तैयार होता है? डायपोल। क्लियर है? ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था, और ये हमेशा नॉर्थ साउथ में जाकर के अटकता है, टिकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा बहुत सारा प्रॉपर्टी है, ऐसा बहुत सारा प्रॉपर्टी है कि सिमिलर रिपेल करता है, डिसिमिलर अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ साउथ। देखिए, या लोहे निकेल कोबाल्ट जैसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, यदि किसी अस्थायी चुंबक को मुक्त रूप से लटकाया या उत्तर दक्षिण की दिशा में जाकर रुकता है। कोई भी दंड चुंबक हमेशा द्विध्रुव के रूप में मौजूद रहता है, एक जैसे द्विध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। किसी चुंबक के आसपास हमेशा अस्थायी रूप से चुंबकीय क्षेत्र मौजूद रहता है। किसी चुंबक के आसपास रखे हुए चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय प्रेरण हो जाता है। चुंबक के बगल में अगर लोहा रख दीजिए, फिर उस लोहा से भी दूसरा चीज को सटाइए, तो लोहा में भी चुंबक का गुण आ जाता है। यह खासियत है किसका? चुंबक का। ये पोल स्ट्रेंथ VVI इंपॉर्टेंट, इसका पूछा जाता है, पता है इसका पूछा जाता है? पोल स्ट्रेंथ का यूनिट पूछा जाता है, डायमेंशन पूछा जाता है। तो क्या आप लोगों को पोल स्ट्रेंथ का यूनिट और डायमेंशन पता है? यहां देखिए, हम तुरंत बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीख लीजिएगा। ये एक चुंबक है, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ के पोल को प्लस एम से डिनोट किया जाता है, और साउथ को माइनस एम से, प्लस एम और माइनस एम। समझ में आया? ये समझ में आया? तो इसके पोल स्ट्रेंथ के लिए जो फॉर्मूला है ये याद रखिएगा। इसका लेंथ मान लीजिए कितना है, एल। लेंथ कितना है? एल, ठीक है। तो देखिए, इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? इसका डायपोल मोमेंट पहले लिखते हैं, डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये एक डायपोल है, डायपोल मोमेंट हो जाएगा एम। अगर यहां 2L कर देंगे तो डायपोल मोमेंट हो जाएगा कैपिटल एम बराबर एम इंटू 2L। इसी को कहते हैं बाबू, पता है, पोल स्ट्रेंथ। इसी को क्या कहते हैं? पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज आपको बताते हैं। अगर कोई भी एक रिंग है जिसमें करंट है I, जिसमें करंट कितना है I, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें करंट कितना है I, ठीक है, तो और इसका एरिया है A, तो इसका एक डायपोल मोमेंट होता है, इसका भी डायपोल मोमेंट होता है। इस ये बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज। कोई भी करंट कैरिंग जो लूप होता है, धारावाहिक रिंग, उसका अपना एक डायपोल मोमेंट होता है, और क्योंकि वो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, वो भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो एक चुंबकीय मैग्नेटिक डायपोल के जैसा व्यवहार करता है, जिसका डायपोल मोमेंट होता है आई ए। क्या होता है? आई ए। और अगर लूप की संख्या एन है तो एम बराबर हो जाएगा एन आई ए, ठीक है। ये भी डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है, ये भी डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। दोनों डायपोल मोमेंट के फॉर्मूला को मिला दीजिए, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एम इंटू 2L, ठीक है, बराबर एन आई ए, टोटल नंबर एन आई ए, ठीक है। तो आप यहां देखिए क्या हो जाएगा, एम बराबर हो जाएगा एन गुना आई और A by 2L। यहां गौर से देखिए, एक सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा। N है संख्या, I है एम्पियर, तो I का हो गया एम्पियर, और A है एरिया। A क्या है? एरिया था। A है एरिया, तो मीटर स्क्वायर, अब बटे मीटर,
मीटर मीटर कैंसर, तो आपको याद रहना चाहिए एम्पियर मीटर बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या है एम्पियर मीटर, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या है एम्पियर मीटर, और डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। प्लीज इसको एकदम रट लीजिए, सब लोग लिखिए, भूल जाइएगा वहां जाइएगा तो। पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर मीटर और डायपोल मोमेंट का एम्पियर मीटर स्क्वायर, पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर मीटर और एम्पियर मीटर स्क्वायर प्लीज। तो जानते हैं जो चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज का रोल था वही रोल यहां पे पोल स्ट्रेंथ का है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में डायपोल में क्या लिखते थे चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, इसमें लिखते हैं प्लस एम माइनस एम। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा पूरी तरह से, ये जो अभी करके दिखाए हैं प्लीज बबुआ, नहीं तो भूल जाइएगा। इसी सब के लिए आ जाए हैं क्योंकि ये जो चैप्टर है ना सबसे ज्यादा बच्चा भूलता है, अगर आप भी भूले हुए हैं तो आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख के रखिए। एम्पियर मीटर, वेरी गुड, किसी को कोई ऐसा तो नहीं, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है, याद रखिएगा। आज का क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, आज के क्लास में मैग्नेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल, शॉर्ट आंसर सब का भरमार है। ठीक है, मिस मत कीजिए, जितना भी बात ही डिस्कस करेंगे सब इंपॉर्टेंट ही, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको साइड कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ, तो एक झटका जरूरी है, आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट हम आपको लेने बोल चुके हैं। मैग्नेटिक चार्ज यहां देखिए, ये देखिए एकदम आराम से, आप इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए क्यू यूज करते थे याद है ना आपको, चार्ज चार्ज। ठीक है, तो डायपोल जब बनता था तब आप इधर लिखते थे माइनस क्यू, इधर लिखते थे प्लस क्यू, इसका लंबाई होता था 2L। ठीक है, डायपोल मोमेंट बराबर लिखते थे 2L इंटू क्यू, याद आया, इतना बात तो याद ही होगा सब बच्चों को। सेम उसी तरह, सेम उसी तरह जब कोई मैग्नेट होता है ना, जब कोई मैग्नेट होता है तो इधर आपका हो जाता है नॉर्थ, इधर साउथ, तो नॉर्थ के तरफ लिखते हैं प्लस एम और इसके तरफ माइनस एम। तो यहां देखिए, यहां प्लस क्यू, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, और चुंबक के लिए जो वही चीज दर्शाते हैं उसको कहते हैं मैग्नेटिक चार्ज। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक चार्ज। तो मैग्नेटिक चुंबकीय आवेश, यानी कि चुंबक के ध्रुव की प्रबलता को दर्शाने के लिए जो एक आवेश के रूप में टर्म यूज करते हैं उसी को कहते हैं मैग्नेटिक चार्ज। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक चार्ज। इसको किस चीज से सूचित किया जाता है? एम से। इसको किस चीज से? क्यू से। इसका लंबाई अगर 2L है तो इसका M बराबर होता था 2L इंटू एम। यही चीज को, इसी का दूसरा नाम पोल स्ट्रेंथ भी था, अभी जो बोले पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, ध्रुव प्रबलता, इसी का दूसरा नाम है प्रबलता। आई बात समझ में? तो ये बात भी एकदम ध्यान में रहना चाहिए, इसी का उपयोग करके हम लोग एक्सियल और इक्विटोरियल पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। आज हम वो भी फास्ट फास्ट आपको समझा देंगे एक बार, ठीक है, जल्दी से इसको देख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओहो, चलिए कोई बात नहीं है, लेट भी आए तो कोई बात नहीं है, आए तो जरूर, देर हुई आने में फिर भी शुक्र है, तुम तो आए तो, ठीक है, शुक्र है फिर भी आए तो, चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। देर हुई आने में, चलिए, यदि किसी दंड चुंबक को उसके लंबाई के लंबवत काटा जाए तो यह पुनः एक द्विध्रुव बन जाता है, यह सब तो ठीक है, यदि किसी दंड चुंबक की लंबाई के अनुदिश बराबर भागों में काटा जाए, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है भैया बोर्ड, बहियार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, यहां प्लस एम यहां माइनस एम ऐसे काट देंगे तो यहां माइनस एम यहां प्लस एम फिर यहां प्लस एम यहां माइनस, ठीक है, तो इसमें पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं होता है, लंबाई के परपेंडिकुलर काटते हैं, और अगर ऐसे काट देंगे, जल्दी बताइएगा, ये आपसे जवाब चाहिए, जब पढ़ा रहे होते हैं आपका जवाब एकदम सही होता है,
खाली यही यही बात आप वहां पे कर दीजिएगा, प्लस एम माइनस एम, इसको बीचों बीच काट दिए, एकदम पतला कर दिए, बोलिए पतला, इसको पतला कर दिए, तो बोलिए अब यहां का जो पोल स्ट्रेंथ होगा ये कितना होगा, जल्दी बताइए ये पोल स्ट्रेंथ कितना होगा, आधा आधी बीचों बीच काट दिए, बहुत हल्का है, फास्ट जवाब दीजिए, करेंट इलेक्ट्रिसिटी भी बचा हुआ है, नहीं बाबा कितना चीज करवाए, देखिए बाबू आप लोग डिमांड तो बहुत करते हैं, ये बताइए वो बताइए, लेकिन आप उतना टाइम देते हैं हमको, सही सही बताइए, ये भी तो बताइए कि आप उतना टाइम देते हैं हमको, आप हमको टाइम नहीं देते हैं, आप हम आपको हम पसंद है नहीं है ये तो भगवान मालिक, आप आते भी हैं मेरे पास, मिलते भी हैं, एक बार मेरा मुंह भी देखते हैं, लेकिन जैसे एक डेढ़ घंटा लेक्चर बढ़ता है उसके बाद रोनी सूरत भी बना लेते हैं, गलत बोल रहे हैं, और आप कहीं भी देख लीजिए अभी के टाइम में लंबा लंबा क्लास चलता है, एकदम धुआंधार व्यवस्था वाला, और हमको तो पूरा एकदम लगाए हुए रहते, एकदम नाइट्रोक्स डाल के उड़ते रहो, जान निकल जाती है मेरी तो, आप होगा बहुत बढ़िया, M by 2 बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी जवाब भी मिलते जा रहा है बच्चों का, तो प्लस M by 2 यहां भी, प्लस M by 2 यहां, माइनस M by 2 यहां भी, माइनस M by 2, कोई तकलीफ, एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे आ सकता है, एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर दो चुंबक को ऐसे करके 60 डिग्री पे रख दिया जाए तो उसका डायपोल मोमेंट के लिए उसका रिजल्टेंट निकालना होता है, डायपोल मोमेंट के लिए उसका क्या निकालना पड़ता है, रिजल्टेंट, ठीक है, इधर देखिए एक मिनट में हम आपको बताते हैं, ऐसा क्वेश्चन क्या पता पूछ भी दे, एक सेकेंड लगेगा, एक चुंबक ऐसे है, एक मिनट लगेगा, ठीक है, और एंगल है कितना डिग्री, 60 डिग्री, अगर इसका है m, इसका भी है m डायपोल मोमेंट, उसका जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा पे, हड़बड़ाना नहीं है, डरना नहीं है, इसीलिए हम ये क्वेश्चन अभी बता रहे हैं, नहीं तो न्यूमेरिकल बताने का अभी कोई सेंस नहीं है, 2mm cos 60 m² + m² + 2m² × 1/2 कैंसल, एम रूट थ्री आंसर, ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे कि दो चुंबक है जिसका डायपोल मोमेंट एम एम है और 60 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, 120 डिग्री पे है, तो उसका रिजल्टेंट निकाल दीजिए, बोलिए कितना बच्चा ये वाला, इसमें फॉर्मूला क्या लगा पता है ना, आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, जल्दी बोलिए ये तो आपको आता ही होगा, हाँ या ना, फास्ट बताइए, क्लियर है ना, ये क्लियर है ना, यहां एकदम क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, ये एक क्वेश्चन आ सकता है, हम आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिकल लेंथ, आप देखिए देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ सवाल है, ये हम बता रहे हैं, इसीलिए बोले कि एक भी पॉइंट छोड़ नहीं सकते हैं, एक भी पॉइंट छोड़ नहीं सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, ठीक है, इधर देखिए ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, इसको कहते हैं LM, क्या कहते हैं LM मैग्नेटिक लेंथ, और इसको कहते हैं LG ज्योमेट्रिक लेंथ, दोनों के बीच एक रेशियो होता है, दोनों के बीच एक रेशियो होता है, यानी कि कोई चुंबक है ना उसका पोल थोड़ा अंदर रहता है, चुंबक का पोल थोड़ा क्या रहता है, अंदर, पूरा रिवाइज करवा देंगे, चुंबक का पोल थोड़ा क्या रहता है, अंदर, आई बात समझ में, तो वो लंबाई थोड़ी कम हुई और चुंबक का जो ज्योमेट्रिक चुंबक जहां तक असल में है वो हुआ, तो बोलिए LM by LG equal to किसको किसको याद है, जल्दी जवाब दीजिए, LM by LG equal to कितना लोगों को याद है, ये रेशियो क्या होता है, फास्ट जवाब दीजिए, 5/6 वेरी गुड, 0.84 वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिल जीत लिया बचवा लोग, बहुत बढ़िया, 0.84 भी बोल सकते हैं, ठीक है, और 5/6 वेरी गुड,
ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में। अब इसको घुमा घुमा के पूछते रहता है, बच के रहना है। एल एम बाय एल जी में ये होगा और एल जी बाय एल एम में इसका उल्टा होगा, यही सबसे फंस जाता है बचवा। वो रट के गया 5/6 दे दिया एल जी बाय एल एम, वो मार दिया 5/6, गलत गड़बड़ हो गया। वो चीजों से बचना है, अगर जरूरी जरूरी है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो अब ये सब याद रह जाना चाहिए। फाइनल बहुत हो गया, अब स्क्रीनशॉट, अब दिमाग में स्क्रीनशॉट लेना शुरू कीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, एकदम 5 मिनट का समय दीजिए, इसीलिए बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म एकदम एक बार में पूरा रिवीजन हो जाएगा सारा फॉर्मूला, और आपको एकदम दिमाग में भी सेट हो जाएगा मैग्नेटिज्म है क्या। असल में बहुत ही आसान है ये। तो यहां बोलते थे हम क्यू, तो यहां बोलेंगे एम, यहां बोलते थे प्लस क्यू माइनस क्यू, तो यहां बोलेंगे प्लस एम माइनस एम, याद है। देखिए इधर जिस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज दो ठो है, उस तरह से मैग्नेटिक चार्ज है, यहां क्यू लिखते थे वहां एम लिखेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल पी बराबर 12 × Q, मैग्नेटिक डायपोल एम बराबर 12 × M। मेरा कहना क्या है, मेरा कहना है कि एक याद रखो दोनों याद रहेगा, एक याद रखो दोनों याद रखे रहेगा, कोनो ने याद रखो कोनो ने याद रहेगा। डायपोल, ओहो यहां है डायपोल मोमेंट, ये है डायपोल मोमेंट। डायपोल मतलब माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए प्लस एम माइनस एम, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, माइनस एम प्लस एम, क्लियर है। फोर्स, इसके फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ बराबर 1/4 πε0 Q1 Q2 r2। इसके फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ बराबर। अब तीन चीज पे ध्यान देना है, देखिए ध्यान से देखिएगा, मेन जो मेन बात है उस पर प्लीज फोकस कीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्यू दीजिएगा तो मैग्नेट में एम दीजिएगा, ठीक है। यहां दीजिएगा कांस्टेंट 1/4 πε0, यहां दीजिएगा μ0/4π, यहां मैग्नेटिक फील्ड के लिए E लिखिएगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड के लिए B लिखिएगा, यहां डायपोल मोमेंट के लिए P लिखिएगा, यहां डायपोल मोमेंट के लिए M लिखिएगा, बाकी सब कुछ लगभग लगभग सेम है, बाकी सब कुछ लगभग लगभग क्या है, सेम है। तो 1/4π के लिए यहां लिख देंगे μ0/4π m1 m2 r2, याद है ना ये सब। इलेक्ट्रिक फील्ड E, मैग्नेटिक फील्ड B, फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड याद कीजिए F बराबर QE और इसमें F बराबर MB, ठीक है। एकदम देखिए, चार्ज पर चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लगते हैं तो फोर्स लगता है, मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में लगते हैं रखते हैं तो फोर्स लगता है। तो ये सब चीज एकदम आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, यस एकदम क्लियर है, ये सब चीज एकदम क्लियर है, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ। आज एकदम मैग्नेट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को उड़ा देना है, छोड़ना नहीं है। आइए देखिए इधर, अब यहां देखिए प्लीज दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI, प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखा रहता है प्लस क्यू और माइनस क्यू, इस पे इधर फोर्स लगता है, इस पे इधर फोर्स लगता है, एंगल थीटा, लेंथ 2L, तो इसका जो टॉर्क बराबर होता है वो होता है 2L QE साइन थीटा। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। 2L Q को बोलते हैं P, तो टॉर्क बराबर आ गया PE साइन थीटा, तो टॉर्क बराबर लिखेंगे पी क्रॉस ई, याद रखिएगा। सेम बाय सेम, सेम टू सेम,
जब मैग्नेट में रखा जाएगा एक डायपोल, मैग्नेट में क्या रखा जाएगा, एक डायपोल, तब ये क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां देखिए, तब यहां पे हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी और ये प्लस, तो एम बी और यहां हो जाएगा एम बी, और तब जो ये टॉर्क आ जाएगा 2L mb sin थीटा। तो जहां यहां था 2L तो 2L, m के जगह पे q, q के जगह पे m, e के जगह पे b और sin थीटा, तो यहां हो गया टॉर्क बराबर mb sin थीटा। और इसी के लिए जो फॉर्मूला है m क्रॉस b टॉर्क बराबर, प्लीज दोस्तों ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, टॉर्क बराबर हो गया एम क्रॉस बी और यहां हो गया पी क्रॉस ई, याद रहेगा, याद रहेगा दोनों। अच्छा, जब मैक्सिमम टॉर्क की बात आएगी, किसकी बात आएगी, मैक्सिमम टॉर्क की, ध्यान से सुनिएगा, जब मैक्सिमम टॉर्क की बारी आएगी तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन 90, तो मैक्सिमम टॉर्क का भी हम आपके सामने लिख देते हैं, टॉर्क मैक्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो सीधा हो जाएगा पीई, उसमें वेक्टर नहीं रहेगा, ठीक ना बबुआ, क्योंकि पीई साइन 90, साइन 90 का मान 1, तो पीई, और इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पूछेगा तो क्या दीजिएगा, एम बी, और कोई भी टॉर्क पूछ देगा तब बोलिएगा पी क्रॉस ई एम क्रॉस बी, यहां मैक्सिमम में पीई और एम बी, प्लीज ये बात समझ लीजिएगा, मिस्टेक करता है बच्चा, आपको लग सकता है हल्का, बहुत बच्चे को लग सकता है हल्का, गलती कर देता है, एक नजर देख लीजिए, हल्का तो पूरा फिजिक्स ही है, फिजिक्स से हल्का दुनिया में कोई दूसरा सब्जेक्ट ही नहीं, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए आपको, ये टॉर्क का फॉर्मूला है, बल आघूर्ण, घूर्णन करने का जो उत्पन्न होता है क्षमता, उसमें आई बात समझ में। अब यहां देखिए, एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, जेड डिस्टेंस पर यहां पर ई बराबर, ठीक है, जल्दी जवाब दीजिए इसका, इसमें जवाब दीजिए ई बराबर क्या होगा, सेम टू सेम वहां भी होगा, तो ये याद है तो वो भी याद रहेगा, प्लस एम माइनस एम, ठीक है, यहां से जेड डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर, तो इसका बी बताना, तो इसका ई जितना होगा वही उसका बी होगा, सेम फॉर्मूला है, जल्दी जवाब दीजिए, 2kp/zq, वेरी गुड अनिकेत, अनिकेत, खुशी यादव, प्रिंस राज, शिवम कुमार, बहुत बढ़िया, मोहम्मद इम्तियाज, आदित्य कुमार, राशिद रजा, बहुत बढ़िया, वेल डन, कुछ बच्चे एकदम धुआंधार परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है, बाकी बच्चे थोड़ा लेट से 5 नंबर गियर लगाते हैं, क्या गियर लगाए या नहीं, भूल गए बहुत दिन से, बच्चों याद करो, थोड़ा मजा लो, ऑफलाइन क्लास में हम लोग क्या लगाने वाले थे, लगाए कि नहीं, अभी भी नहीं लगाए हैं, तो अब क्या अब क्या, होली में लगाइएगा गियर, हाँ लगा दो 5 नंबर गियर, हाथ में नहीं आना चाहिए, ठीक है, जल्दी जवाब दो, चलिए बहुत बढ़िया, तो आप लोगों को यह सब याद है, बहुत बढ़िया, 2kp/zq, इसमें हो जाएगा 2, सुनो आराम से, k के जगह पे वहां k नहीं लिखोगे, लिखोगे म्यू नॉट बाय 4π, p के जगह पे लिखोगे m/zq, ठीक है, जानते हैं आप, इस बार ना इससे ज्यादा लॉन्ग आंसर में यह पूछने की संभावना है, मेरा जो दिल कह रहा है ना वो यही कह रहा है कि हर बार ये संभावना रहता, दोनों है एक ही चीज, दोनों है सेम टू सेम चीज, दोनों है सेम टू सेम चीज, लेकिन ये ना पूछ के पूछ देगा ये, तो जो एकदम थोड़ा भी कमजोर किस्म का बच्चा होगा वो हड़बड़ा के गड़बड़ा जाएगा वहां पे, तो मेरा आपसे विश्वास है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि दोनों एकदम कन्फर्म बना के लाइएगा, दोनों कुछ भी पूछेगा आप धुआंधार उड़ा दीजिएगा, जल्दी जवाब दीजिए, बहुत बढ़िया, वेल डन, आज पूरा पब्लिक जोश में है, आज लगता है
एकदम चूरा दही खा करके लगा दिया फाइनली, ठीक है, या कल के लेक्चर का भी बहुत बच्चों का असर है, नहीं तो इतना ज्यादा लाइव तो नहीं आता था, इतना लाइव तो हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग बड़ा वाला टीचर तो है नहीं जो कि बहुत मतलब करोड़ों में लोग लाइव आएंगे, तो आज इतने ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, पूरा जोश आ गया है। अरे बाप रे, ये तो बाबा भयानक लगता है, कल का असर है। आइए इस चीज को थोड़ा सा एक मिनट में हम बता रहे हैं, इस ये क्योंकि पूछा जा सकता है लॉन्ग आंसर में, अभी जो हम बता रहे हैं ना भी आई लॉन्ग आंसर, एक मिनट लगेगा, प्लीज देखिए याद कीजिए ये वाला, एकदम एकदम याद रहेगा ना, अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला वो जरूर बन जाएगा। ये इस पॉइंट पे निकालते थे, डिस्टेंस लेते थे जेड एल एल, इसके चलते इधर और इसके चलते इधर, EPA, इसको चलिए A मान लीजिए, इसको चलिए B मान लीजिए, इसको कीजिए EPB। बस आपको क्या लिखना होता था, आपको लिखना होता था EPA का K Q by Z minus L का होल स्क्वायर और माइनस K Q by Z plus L का होल स्क्वायर, बस इसको सॉल्व करना होता था, बस बबुआ बस इतना ही है। जिस दिन तुमको ये लगने लगेगा ना कि ये इतना ही है, उसी दिन तुम असली में तेज हुए हो। जब तुमको लगेगा कि बट्टी बड़ा है तो कुछ तेज नहीं हुए हो। यहां देख लो अब ई वाला एक मिनट, यही चीज सेम टू सेम यहां कर देना है, इधर कर दिए प्लस एम, इधर कर दिए माइनस एम, बीच का दूरी जेड, यहां पॉइंट पी, कहानी खत्म। इधर कर दिए बी पी ए और इधर कर दिए बी पी बी, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहां मैग्नेटिक फील्ड है, अब बस फिर दोनों लिख करके घटा दिए, बी पी ए बराबर बी पी ए, इसके चलते इसको ए माने हैं, इसको बी माने हैं, तो म्यू नॉट बाय फोर पाई, के के जगह पे ये लिखे एम, क्यू के जगह पे एम लिखे, अब बटे जेड माइनस एल का होल स्क्वायर, बी पी बी बराबर म्यू नॉट बाय फोर पाई एम बाय जेड प्लस एल का होल स्क्वायर, इसको घटा दिए, बी नेट बराबर जो ये किए थे इस दिस में म्यू नॉट बाय फोर पाई एम वन बाय जेड माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस वन बाय जेड प्लस एल का होल स्क्वायर। जल्दी बोलिए कितना आदमी एकदम कंफर्म हो गए कि यस सर क्लियर है ये हम लोगों का, फास्ट क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए, क्लियर हो गया, क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये हूबहू एक जैसा है, देख लीजिए, एक भी याद रखिएगा दोनों याद रहेगा। इक्विटोरियल पे, इक्विटोरियल भी सेम टू सेम है, इक्विटोरियल भी सेम टू सेम है, यहां था केपी बाय जेड क्यूब, ठीक है, तो इक्विटोरियल में क्या हुआ था, एक सेकेंड के लिए तुरंत, यही तो पूरा परमानेंट मैग्नेट है दोस्त, परमानेंट मैग्नेट में यही चीज है, फिर आपका आ जाएगा टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म वाला तुरंत। यहां देख लीजिए, इधर देखिए, ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना है इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू इस पॉइंट पे जेड, इसके चलते इधर, इसके चलते इधर, सेम चीज यहां भी कर लेना है, और फिर इधर कॉस थीटा, तो अगर आपका ये चीज थोड़ा भी मिसिंग है तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पांच लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जिस दिन बताए थे उस दिन ये बता दिए हैं, तो उसको जाके आप देख लीजिएगा। हम अभी भी बोल रहे हैं हमको लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ज्यादा मैग्नेट जरूरी है, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला देख लीजिएगा, तो मैग्नेट वाला अपने आप। लैंग्वेज सर सेम, लैंग्वेज भी सेम, खाली इलेक्ट्रिक चार्ज की जगह पे मैग्नेटिक चार्ज लिख देना, ठीक है, ये देख लीजिए प्लस एम माइनस एम, हम तो माइनस क्यू आज भी लिख देते हैं यहां पर, इसके चलते इधर, इसके चलते इधर, ठीक है, तो हो गया, ये P है, ये A है, ये B है, तो B P A और B P B,
थीटा थीटा, सेम टू सेम कर दीजिएगा। उसके लिए आया था क्या, के पी बाय जेड क्यूब अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इसके लिए आएगा बी बराबर म्यू नॉट बाय फोर पाय एम बाय जेड क्यूब अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालने के लिए सिखाए थे, ठीक है। तो इसके लिए आया था के पी बाय जेड स्क्वायर, इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए आएगा म्यू नॉट बाय, अब आगे अब ज्यादा समय नहीं लेते, एम बाय जेड स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्विटोरियल जीरो, इक्विटोरियल पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जल्दी बताइए, तो जल्दी जवाब दीजिए। तो हम लिख भी दिए आंसर, फिर भी एक बार चाहते हैं कि आपका ध्यान भी था कि नहीं, माइनस क्यू प्लस क्यू। इस लाइन पे कोई पॉइंट पे पोटेंशियल बताइए, पोटेंशियल इस लाइन पे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल बताइए, फिर इसका भी बता दीजिएगा, तब जल्दी। इस पॉइंट पे किसी, इस लाइन पे जल्दी बताइए पोटेंशियल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, यस। तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो। बहुत बार यह भी पूछा जा चुका है, इक्विटोरियल पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम अपने हिसाब से सारे पॉइंट्स को करते जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कट नहीं करता है एक दूसरे को, क्या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कट करेगा, क्या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कट करेगा, नहीं। सेम सवाल पूछ देगा, यही यही अपने दिमाग में आपको सोच के रखना है। हम लोग पढ़ के जाएंगे कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों। परीक्षा में पूछ दिया दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों। अब आप सोचने लगे कि जा हम तो इलेक्ट्रिक वाला पढ़ के, सेम उत्तर छाप दो वहां पे, जो उत्तर इलेक्ट्रिक वाला पढ़ के गए थे ना, सेम का सेम आंसर छाप दो, खाली तुम भी इलेक्ट्रिक के जगह मैग्नेटिक लिख दो, बात खत्म है। मेरी बात को समझो, कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स लाने का यही फॉर्मूला है, कौन किससे जुड़ा हुआ है वो याद रख लो। अच्छा बताओ, ये तो आपका हो गया, कट तो नहीं करेगा, कट तो नहीं करेगा, लेकिन ये बताइए क्या ये लूप बनाता है, लूप बनाता है या नहीं बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, जल्दी बनाइए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लूप बनाता है या नहीं बनाता है, फास्ट। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी जवाब चाहिए, जवाब चाहिए, क्या ये लूप बनाएगा, ये वाला इलेक्ट्रिक है बचके, इलेक्ट्रिक है बचके, ठीक है। और ये बनाएगा, पहले इसका बताइएगा, उन्हें कि दोनों बताने के चक्कर, तो ये इलेक्ट्रिक लूप नहीं बनाता है और ये लूप बनाता, यही दोनों में क्या है अंतर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, नॉर्थ से लाइन निकलता है, नॉर्थ से लाइन निकलता है और साउथ में इंटर करता है, पर अंदर में भी मूव करता है। तो बोलेगा चुंबक के इन अंदर, तो बोलिएगा साउथ से नॉर्थ, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ, चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ। चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ, चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ, चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ, उल्टा, ठीक है। तो अब यहां क्या बन गया, एक पूरा का पूरा लूप बन गया। अब यहां बताइए, यहां पे अगर हम एक बंद सतह खींच देते हैं, ठीक है, तो बोलिए इससे जो फ्लक्स होगा कितना होगा, इससे फ्लक्स
मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, जल्दी जवाब दीजिए फिर से एकदम वीवीआई शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। गॉस लॉ लोग रट के जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूछ देगा मैग्नेट वाला, क्या कीजिएगा क्या कीजिएगा, ठीक है? तो जल्दी बताइए यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, जीरो जीरो, वेरी गुड, फास्ट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। कितना होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा जीरो, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा जीरो। इतना बात सबको समझ में आया, पूछिए क्यों, क्योंकि सर जितना लाइन घुस रहा है उतना ही लाइन निकल रहा है, तो किसी बंद सतह में जितना लाइन घुसेगा उतना ही लाइन निकलेगा, तो फ्लक्स हमेशा क्या हो जाएगा जीरो। यहां भी अगर हम बना देंगे, इस जगह भी अगर हम बना देंगे एक बार यहां पे भी, तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा जीरो। तो हमेशा किसी भी बंद सतह से मैग्नेटिक फ्लक्स का मान क्या होता है जीरो, यही है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या कहता है, किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होता है, किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होता है। तो इसमें और इसमें अंतर है, ये देखिए इसका ऐसा फॉर्मूला है, ई डॉट डी एस बराबर क्यू इंटरनल बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसका है बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो। इस बात को समझिए, इस बात को समझिए, ई डॉट डी एस इक्वल टू, यानी कि इसमें है किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर के आवेश का 1 बाय एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, और इसमें है किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होता है। तो ये तो आसान ना हुआ, ये तो आसान ना हुआ, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो प्लीज इन बातों को एकदम दिमाग में सेट कर ले, और तब अब हम लोग जो आएंगे कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे, कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे, जल्दी। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना तक आप लोग समझ गए और अभी तक आप लोग साथ रहे। वर्क डन टू, इसका फॉर्मूला बोल देते हैं, W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा, ठीक है, यह याद रखिएगा। अभी इसको प्रूफ करने का हमारे पास भी समय नहीं है, लेकिन ठीक है, यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और W बराबर MB 1 माइनस cos थीटा, ठीक है, यह मैग्नेटिज्म का है, यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स, ये दोनों ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, किसी डायपोल को जब घुमाते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी डायपोल को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाते हैं, तो हमको वर्क करना पड़ता है, कितना वर्क करना पड़ता है, पीई वन माइनस कॉस थीटा। सर पीई क्या है, पी है डायपोल मोमेंट, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, एम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और बी है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, ये सब चीजें अब आपको ध्यान में रहनी चाहिए, बहुत बढ़िया। चलिए ये वाला का अभी एकदम जरूरत नहीं है, बहुत रेयर चांस है पूछता है, आपको झूठ झूठ मुठ का टेंशन हो जाएगा, सारा क्लास में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ा दिए अभी तुरंत, जो बताना था, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल टू परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ये थोड़ा सा जानना जरूरी है। टेंजेंट लॉ अब क्या आने वाला है, कल ही बताए थे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर और टेंजेंट लॉ, वीवीआई, ठीक है, टेंजेंट लॉ प्लीज ध्यान दीजिएगा, एकदम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है टेंजेंट लॉ, ठीक है, मत मिस कीजिएगा, प्लीज मत मिस कीजिएगा, पछताइएगा, परीक्षा में पूछ देगा ना। हम क्या करेंगे जानते हैं, जितना चीज पढ़ाया है ना उसका शॉर्ट वीडियो बना करके एक साथ और आपको परीक्षा के बाद दिखा देंगे, देख हम सब पढ़ाए थे, तुमको बहुत दिल में खराब लगेगा, खाओ बेचारा पढ़ाता था, हम तो पढ़े ही नहीं, ठीक है, तो ये मिस मत कीजिएगा। देखिए इधर
अगर दो ठो मैग्नेटिक फील्ड एक साथ मौजूद, क्या ठो मैग्नेटिक फील्ड, दो ठो मैग्नेटिक, बस एक मिनट में समझ में आ जाएगा, देखिएगा प्लीज, एक मिनट में समझ में ना आ गया तो आप हमको बोलिएगा। इसमें एक ठो चुंबक रख दिए, एक मैग्नेटिक फील्ड चाहता है इधर घुमाना, एक मैग्नेटिक फील्ड चाहता है उधर घुमाना, तो ये है नॉर्थ और ये है साउथ, और ये रुका हुआ है थीटा एंगल पे। तो सोचिए इसको, इसको कह दीजिए बी एच, इसको कह दीजिए बी भी, ठीक है। तो कहता है कि अगर ये घुमाने, इसी को कहते हैं टेंजेंट लॉ, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो अगर कोई भी चुंबक दो मैग्नेटिक फील्ड में एक साथ रखा हुआ है, उस दोनों मैग्नेटिक फील्ड में, तो दोनों उसको घुमाने की कोशिश करेगा। यह बात समझ में आ गया, ये इधर घुमाने की कोशिश करेगा और वो उधर घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वो कहीं तो अटकेगा, कहां अटकेगा, जहां इसका टॉर्क और उसका टॉर्क बराबर हो जाए। हम सोचिए हम कोई चीज को ऐसे घुमाना चाह रहे हैं और वो उधर घुमाना चाह रहा है, कहां पे जाके अटकेंगे, जहां पे दोनों का घुमाने का ताकत क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो टॉ एच बराबर टॉ भी, हॉरिजॉन्टल टॉर्क वर्टिकल टॉर्क बराबर, बस अब आपको फॉर्मूला पता है इस टॉर्क का, टू एल एम बी साइन थीटा, एच है ये हुआ किसका, टॉ एच। देखिए इधर, इधर देखिए टॉर्क बराबर पड़े थे ना, 2L m b sin थीटा, याद है। तो हॉरिजॉन्टल के लिए क्या लिखेंगे, 2L m b h sin थीटा, ये जो घुमाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा अब वर्टिकल के लिए क्या लिखेंगे, 2L m b v, लेकिन ये एंगल लाइन थीटा है तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, फास्ट जवाब दीजिए, ये एंगल थीटा है तो इधर वाला एंगल कितना होगा, जैसे कि यहां से आधा इधर साइड का एंगल थीटा है तो इधर वाला एंगल कितना होगा, जल्दी जवाब दीजिए। वेरी गुड, जल्दी जवाब दीजिए। फास्ट, वेरी गुड, एकदम जवाब आ रहा है, फटाफट आने लग गया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा लेट आता है जवाब, हो सकता है कि हम थोड़ा सा जल्दी बोल के रुक जाते हैं, ठीक है, थोड़ा तो समय भी लग। तो देखिए इस जगह का एंगल थीटा है तो इस जगह का एंगल होगा 90 माइनस थीटा, तो यहां लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा 2L m bv cos थीटा, 2L m bv cos थीटा। अब बोलिए ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए बराबर, तो यहां देखिए यहां के लिए हम लिख देंगे, इसके लिए ये है, अभी आपका टेंजेंट लॉ प्रूफ हो जाएगा एक मिनट, और इसके लिए हो जाएगा 2L m bv cos थीटा, और ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए बराबर। तो अब देखिए तो 2L m bh sin थीटा बराबर 2L m bv cos थीटा, ठीक है, 2L m 2L m कैंसल। तो अब देखिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, bv by bh, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, bv by bh, ये याद रखना जरूरी है बस। तो टेंजेंट लॉ क्या कहता है, अगर कोई बार मैग्नेट एक साथ दो परपेंडिकुलर फील्ड में रखा हुआ है तो वो उस एंगल पे जाके रुकेगा जिसका टेन का मान दोनों के रेशियो के बराबर होगा। अरे आसान वाला बात नहीं है, पूरा ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो उस एंगल पे जाके रुकेगा जिस पे दोनों, उस एंगल पे रुकेगा जिसका टेन थीटा का मान दोनों के रेशियो के बराबर होगा, बी वी बाय बी एच। दिस इज द प्रूफ ऑफ टेंजेंट लॉ, भी आई क्वेश्चन फॉर बहियार बोर्ड 2022, क्लियर, ठीक है। आई होप आपको पूरा का पूरा याद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा,
और जल्दी से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका लैंग्वेज भी यहां पे लिखा हुआ होगा। मिल जाओ भाई, कहां है टेंजेंट लॉ, कहां है लैंग्वेज? ये है आपका लैंग्वेज, ठीक है, टेंजेंट लॉ का लैंग्वेज, वीवीआई। अब फिर ये सब नहीं बताएंगे, पहले ही बता देते हैं, ये शॉर्ट आंसर बता चुके हैं एक बार, हम जब क्वेश्चन बता भी रहे होंगे ना शॉर्ट आंसर, तो ये क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें समय नहीं देंगे, हम पहले बोल देते हैं, नहीं तो आप ही का घाटा होगा, नहीं तो आप ही का घाटा होगा। आप चाहते हैं कि एक के चीज बार बार बताते रहे और बाकी चीज छोड़ दें? सही सही बताइए, रिविजन में भी सब कुछ किसी तरह हो जाए तो फायदा है, जल्दी बोलिए। थैंक यू बच्चों, और आपका हर एक लाइक हमको बहुत अच्छा मोटिवेशन देता है, आपका एक्चुअली प्रेजेंस ही हमको बहुत मोटिवेशन देता है कि आप देख रहे हैं, आप अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं, ये भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एकदम आराम से लिखा हुआ, यदि कोई दंड चुंबक किसी ऐसे क्षेत्र में रखा हुआ जहां दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो, तो वह दंड चुंबक उस कोण पर जाकर रुकेगा जिस कोण की स्पर्श जिया दोनों क्षेत्र के अनुपात के बराबर होगा, और कोण उस क्षेत्र के साथ बनेगा जो कहां पे है, हर में। ठीक है, ये हो गया आपका, और इसका फॉर्मूला यहां पे लिख दीजिएगा, टेन थीटा बराबर बीवी बाय बीएच। एंगल किसके साथ लिए थे? बीएच के साथ, तो वो नीचे रहेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट। अच्छा, अगर आप इतना लिख सकते हैं परीक्षा में, ये कंफर्म लिख दीजिएगा, अगर आप प्रूफ कर सकते हैं तो दो लाइन प्रूफ भी कर दीजिएगा, आपका फायदा होगा। ठीक है, प्रूफ करने में कोई घाटा नहीं, अगर आपके पास टाइम होगा तो प्रूफ कर दीजिएगा, फायदा होगा, लेकिन नहीं भी कीजिएगा तो भी चलेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, फिर हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी आज कंप्लीट करेंगे, ठीक ना? आप अगर रहना चाहते हैं तो रहिए, नहीं रहना चाहते हैं तो मत रहिए, लेकिन आज हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कंप्लीट करके ही जाएंगे, ये बात आप समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग टेंजेंट गैल्वेनोमीटर पे चलेंगे। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर देखिए, इधर पहले टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का फोटो भी दिखाते हैं। यह है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, यह भी पूछा जा सकता है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या है? ये इलेक्ट्रिक करंट को मापता है टेंजेंट लॉ के आधार पर। किसके लॉ के आधार पर? टेंजेंट लॉ के आधार पर। ठीक है, देखिए यहां पे ये है क्वाइल, इसमें गुजरेगा करंट, वो उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा और अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इसका जो नीडल है वो किसी एक एंगल पर जाकर के रुकेगा। ये है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर बहुत दिन से नहीं पूछा है, इसीलिए थोड़ा सा चांसेस रहता है, क्या पता एक दो इधर उधर कर दिया, तो बहुत ही आसान सा वो है, अभी तुरंत आपको हम समझा देते हैं। ये देखिए, अच्छा बोलिए, इसमें एक देखिए क्या क्या है। आप जानते हैं टेन थीटा बराबर पी वी बाय पी एच, ये तो अभी तुरंत पढ़ लिए थे, देखिएगा कितना आसान है। देखिएगा, इसके सेंसिटिविटी पे ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कई बार, याद रखिएगा। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या हुआ है? बीवी बाय बीएच, ये आप जानते हैं। एक मिनट के लिए समझिएगा कि इस जगह पे एक क्वाइल है, और ये क्वाइल एक इंसुलेटिंग रखा हुआ है, और इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इस तरह से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका, ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से हो कि बाहर की ओर, इधर हो बाहर की ओर, ठीक है,
और अर्थ का जो वो ऐसे, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, सोचिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ये हुआ बीई और यहां हुआ बी सी, ये हुआ आपका क्वाइल, क्वाइल के लिए यूज किए हम बी सी, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्न एन, तो अब आप बताइए लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप पढ़े थे बी बराबर म्यू नॉट आई बाय टू आर। देखिए ये क्वेश्चन बनाने में वो भी रिवीजन हो रहा है, तो बी बराबर म्यू नॉट आई बाय टू आर, ठीक है। और अगर एन गो लूप है तो यही हो गया, ये हो गया बी क्वाइल, ये क्या हो गया बी क्वाइल, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है बीई, ठीक है। तो बस बन तो गया, अगर यहां पे एक रखा रहेगा मैग्नेटिक कंपास, अगर यहां पे एक मैग्नेटिक कंपास रखा रहेगा तो वो किस कोण पर रहेगा भैया, मैग्नेटिक कंपास किस कोण पर रहेगा, तो अर्थ से इस तरफ से कुछ कोण पे है, देखिए इधर ऐसे एकदम ध्यान से देखिएगा इस तरह से कुछ कोण पर थीटा, तो बस लिख देंगे टेन थीटा बराबर, ठीक है बी सी बाय बी ई, तो बोलिए बी सी बराबर क्या हो जाएगा बी ई टेन थीटा, ठीक है। तो बी सी के जगह पे लिख देंगे एन म्यू नॉट आई बाय टू आर बराबर बी ई टेन थीटा, ठीक है। तो आई बराबर क्या लिख देंगे, देखिए फाइनली आई बराबर इधर देखिए इस सब को उधर कर दीजिए, तो बीई इंटू टू आर, बीई इंटू टू आर देखिए उधर गया नीचे में बटे एन म्यू नॉट और इंटू टेन थीटा, तो आई प्रोपोर्शनल हो गया किसके टेन थीटा के, यही हो गया आपका क्या फॉर्मूला। तो जितना एंगल घूमेगा उतना ज्यादा करंट होगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, दोनों का मान लिख दीजिएगा बन जाएगा। अगर आपको थोड़ा भारी लग रहा हो कि लग रहा हो नहीं सर हमसे ये नहीं हो पाएगा, कोई तकलीफ नहीं है, हो सकता है किसी बच्चे को लग जाए, लेकिन किसी ना किसी को तो लगेगा कि नहीं ये एकदम आसान है, ये आप अभी जानते थे ये भी जानते थे, दोनों को वैल्यू को लिखे सॉल्व कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दीजिए। ये है इसका इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल, जिसको लगता है कि पढ़ना जरूरी है वो लेकर के पढ़ लीजिएगा फास्ट। फास्ट प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक ऑब्जेक्टिव भी है, अभी भी वो भी बता देंगे, अभी तुरंत बता देंगे वो ऑब्जेक्टिव भी, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का शुरू होगा टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, क्या शुरू होगा टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, कम से कम तो आज आपका 9:15 बजेगा, कम से कम 9:15 बजेगा, आप तैयार हुई नहीं तो बाद में देखिएगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, 10 दिन 10 क्लास में कैसे बताएंगे, ठीक है। बच्चे को याद भी होना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए, जल्दी देख लीजिए इसको। चलिए थैंक यू थैंक यू। तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है, टेंजेंट लॉ के सिद्धांत पर, वर्किंग लिख लीजिए। ये क्वाइल है, क्वाइल क्वाइल, ठीक है जल्दी लिखिए। कंपैरिजन ऑफ डायपारा और फेरो वो भी आएगा, कंपैरिजन ऑफ डायपारा और फेरो वो भी आएगा, लेकिन पिछले साल पूछा जा चुका है, इस साल कंपैरिजन ऑफ डायपारा फेरो नहीं पूछेगा, आप मेरी बात ध्यान में रखिए, पिछले साल का क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। तो पिछले साल डायपारा और फेरो पूछ चुका है, इस साल नहीं पूछा जाएगा, अगर आपको पढ़ने का मन है तो एक बार नजर डाल दीजिएगा, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस साल के लिए।
ये वाला फर्स्ट पेज लिए थे, फर्स्ट पेज लिए थे, ये है फर्स्ट पेज, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है, वर्किंग लिखना है, लास्ट में ये भी बना करके कंप्लीट कर देना है। अगर संयोग बस आपको तीन क्वेश्चन में मान लीजिए, जैसे कि देखिए एक छोटा सा बात दो मिनट के लिए मान लिया जाए आप 20 लॉन्ग आंसर बहुत बढ़िया से करके गए, ठीक है, 20 लॉन्ग आंसर बहुत बढ़िया से करके गए, लेकिन उसमें आप पकड़ाया दो पकड़ाया, अब आप क्या कीजिएगा, जल्दी जवाब दीजिए, आप क्या कीजिएगा, 20 लॉन्ग आंसर आप खूब गजब का रट के गए थे, पकड़ाया उसमें से दो गो, आप सोचते हैं कि साला 20 गो में तीन गो नहीं पकड़ाएगा, अरे नहीं भी पकड़ा सकता है यार, पिछले ही साल का तो देखो कि क्या आपको लगता है कि सब पढ़ के ही गया होगा, नहीं पढ़ के गया होगा, कोई ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जो आप पढ़ के ना गए हो, तब उस समय कौन सब काम आता है, यही सब काम आता है, क्या पकड़ 50% भी लिख दोगे, 60% भी लिख दोगे तो आपको कुछ तो मार्क्स आ जाएगा, आई बात समझ में। इसलिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए उसको एक नजर अच्छे से देखना ही है, ठीक है। अगर आपको 90s में जाना है, अगर आपको 90+ लाना है तो मेरी बात को माननी होगी, ऐसे 90+ नहीं आ सकता है सबका, ये बात याद रखना, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हमको क्या है, हम भी बोल सकते हैं चलो इतना ही पढ़ लो, 5 को पढ़ लो चल जाना, ऐसा बात नहीं है। आइए अब आते हैं हम लोग किस पे, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म में, इसमें सिर्फ आपको तीन चीज, अच्छा ओह सॉरी, एक मिनट, इसमें एक ऑब्जेक्टिव आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI ऑब्जेक्टिव है, प्लीज ध्यान से सुनिए, सेंसिटिविटी ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, सब कुछ इसलिए बता रहे हैं कि आपके दिमाग में सेट हो जाए, सेंसिटिविटी ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा का मान 45 डिग्री होता है, जल्दी बताइए उसका सुग्राहिता, सबसे सुग्राही कब होगा, जब थीटा का मान कितना डिग्री होगा, 45, याद रख लीजिएगा, एक बार सब लोग लिखिए, मैक्सिमम सेंसिटिविटी, पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, जल्दी जवाब दीजिए, मैक्सिमम सेंसिटिविटी, अभी ये एज गेमिंग बबुआ को थोड़ा सा, कितना पे 45 डिग्री पे, क्लियर है, मैक्सिमम सेंसिटिविटी कितना पे 45 डिग्री पे, क्लियर है ना, एकदम क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग किस पे, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म में, दो मिनट में इसका कहानी खत्म करेंगे, सिर्फ इसमें तीन चीज आपको ध्यान में रखना है, पहला बात आपका जो अर्थ है वो चुंबक के जैसा है, अर्थ में अर्थ का जो एक्चुअल नॉर्थ है उधर चुंबक का साउथ है, अर्थ के नॉर्थ में चुंबक का साउथ है और अर्थ के साउथ में चुंबक का नॉर्थ है, पहली बात तो ये जान लीजिए। और उसके बाद दो ठो चीज है वो आपको खाली हम बता देते हैं, एक मिनट में हम समझाते चले जाएं, ये आपका अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ का रोटेशनल एक्सिस है, लेकिन इसका जो चुंबक है ना दोस्त, इसका चुंबक इस तरह से, ये देखिए, तो इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, यहां देखिए एंगल ऑफ, ये हुआ, ये एक प्लेन हुआ,
और ये दूसरा प्लेन हुआ, ये दूसरा प्लेन हुआ, यहां बनाते हैं रेड कलर दिखता होगा आप लोग को, ठीक है। इसको कहते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन, इसको कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो दोनों सतह के बीच जो कोण है उसी को कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, क्या कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। और देखिए जब आप अर्थ के सामने चुंबक को रखते हैं तो अर्थ चुंबक जो होता है अर्थ की तरफ झुक जाता है, चुंबक थोड़ा अर्थ की तरफ झुक जाता है तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप, उसको क्या कहते हैं एंगल ऑफ डिप, याद रखिएगा अर्थ पे जो चुंबक झुक जाता है उसी को कहते हैं एंगल ऑफ डिप। तो ठीक है अब बताइए पोल पर, पोल पर एंगल ऑफ डिप का मान, एकदम ऑब्जेक्टिव है एंगल ऑफ डिप का मान पोल पर, ठीक है। इसको कहते हैं नति कोण, क्या कहते हैं नति कोण, झुकने वाला कोण, नीति कोण या नति कोण, ठीक है। एंगल ऑफ डिप पोल पर एंगल ऑफ डिप का मान बताइए जल्दी, पोल पर एंगल ऑफ डिप का मान बताइए, पोल पर एंगल ऑफ डिप का मान बताइए, वेरी गुड। ये कितना डिग्री है 90 डिग्री, याद रखिएगा। और इस एंगल का जो है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इसका मान 11.5 डिग्री के आसपास होता है, कितना डिग्री के आसपास होता है 11.5, ठीक है। अब आपको एक लास्ट बात बताते हैं, अर्थ के 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं, अर्थ के 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं, अर्थ के 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं, 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स, 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स, तीनों आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि अर्थ के 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या क्या है नाम बताइए। ये अच्छा अर्थ के 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स में एक एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, एक एंगल ऑफ डिप है, दोनों का डेफिनेशन पूछ सकता है, ध्यान से सुनते जाइएगा, एक एक बात पे पॉइंट आउट कर लीजिएगा कि ये सर ने बोला है ये पूछा जा सकता है, हम जरूर इसको पढ़ के जाएंगे, प्लीज एक बार अच्छे मन से सोच के देखिएगा। और ये दोनों हो गया, और एक तो है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल क्या कंपोनेंट, क्षैतिज घटक, अब उसको एक बार मैं समझा देते हैं। देखिए ये है एक चुंबक अर्थ के तरफ झुक गया है डेल्टा एंगल, सोचिए डेल्टा एंगल झुक गया है ऐसे, इसी डेल्टा को कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर है, ठीक है, क्योंकि चुंबक क्या हो गया झुक गया, चुंबक झुकना का मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या किए हुए झुका दिए, चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है कहता है मैग्नेटिक मैग्नेट को उसकी तरफ मोड़ देता है, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र नीचे जाएगा तो मैग्नेट भी ऐसे जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जाएगा तो मैग्नेट ऐसे जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जाएगा तो मैग्नेट ऐसे जाएगा। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बी एच बराबर हो जाता है बी ई कॉस डेल्टा, बी ई कॉस डेल्टा। तो कितने एलिमेंट्स हैं 3 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं 3 एलिमेंट्स, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, याद रखिएगा कितने एलिमेंट्स हैं, देयर आर 3 एलिमेंट्स, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम तीनों का डेफिनेशन यहां पे लिखे हुए होंगे कहीं पे, अब आपको हम दिखा देते हैं। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ यही पढ़ रहे हैं, अरे मिल जाओ भाई, नहीं मिलोगे, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, चलिए
लिखा देते हैं तीनों का नाम एक एक बार में। पहला है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। अभी इसको लिखने में समय बर्बाद नहीं करते हैं, तीनों का नाम लिख रहे हैं, ठीक है। और दूसरा है एंगल ऑफ डिप, और तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। प्लीज ये तीनों कम से कम नाम याद रखिएगा, ठीक है। इसका हिंदी है नति कोण, इसका हिंदी है दिक्पात कोण, दिक्पात कोण, ठीक है। और इसका है विद्युत क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा घटक, क्षैतिज घटक, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, एक मिनट में हम बताते हैं, ठीक। अर्थ के सतह से चुंबक जितना झुक जाता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप। अर्थ का जो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, उस दोनों पे प्लेन के बीच का जो कोण है उसको कहते हैं दिक्पात कोण। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन। और अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, ये तो इस तीनों में सर सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, ये सब लोग इसका नाम लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है, VVI है, शॉर्ट आंसर के सजेशन में आपको मिलेगा। वेरी गुड, अनिकेत का डेफिनेशन एकदम करेक्ट है, अनिकेत का डेफिनेशन एकदम करेक्ट है, वो डेफिनेशन स्क्रीनशॉट रख लीजिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू अनिकेत। चलिए, इतने देर तक बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, इसका एकदम मतलब है कि उन लोगों के मन में बहुत सारा चीज है, ठीक है। तो अब हम आते हैं किस पे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे, ठीक है। चलिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ का चुंबकीय गुण, जिसको बहुत जरूरी कोई क्लास करना हो वो जा सकता है, क्योंकि ये भी हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। हम एक बार कंप्लीट कर देंगे तो हमको भी रिलैक्स होगा, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव भी शुरू करेंगे, ठीक है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जब तक हम इसको निकालते हैं और थोड़ा सा तब तक में हम इसको समझा देंगे, जब तक ये निकलेगा तब तक में आपको हम पीछे का क्या कर देंगे, समझा देंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से। कोई भी पदार्थ क्यों होता है चुंबकीकृत, हम आपको 5 टाइप का मैटेरियल के बारे में बताए थे, 5 टाइप का स्टूडेंट याद है, एक स्टूडेंट जिसको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती थी वो अपने आप मेहनत करता था, याद आया, एक टाइप का स्टूडेंट जिसको कुछ करने की जरूरत नहीं अपने आप मेहनत करता था, वो परमानेंट मैग्नेट, याद आया ना, पांच ठो स्टूडेंट का टाइप, इसी पे पूरा खेल है, एक बार में सब समझ में आ जाएगा, पूरा खेल इसी पे है। तो एक बच्चा होता है पहला जो कि अपने आप मोटिवेटेड है, अपने आप मेहनत करता है, उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती थी, याद कीजिए, आप लोग से हाथ उठवाते थे कौन है, ठीक है। दूसरा नंबर जो बच्चा होता है उसको एक बार मोटिवेट कर दीजिए, यह हुआ परमानेंट। तो ऐसा पदार्थ जिसका डायपोल अपने आप एक डायरेक्शन में है बचपन से, उसको कहते हैं परमानेंट, ठीक है। दूसरा,
याद कीजिए ऐसा पदार्थ जिसको एक बार मैग्नेटाइज कर दीजिए, एक दो महीना तक मैग्नेटाइज रहे, उसका डायपोल एक डायरेक्शन में रहे, हर समय रहे, कंटिन्यूअस रहे, एक बार उसको मैग्नेटिक फील्ड में ला दिए, कोई पदार्थ लिए उसको मैग्नेटिक फील्ड में ला दिए, उसका डायपोल सब सीधा हो गया और अच्छा खासा दिन तक सीधा रहा, ठीक है। बताइए ये वाला कैसा, कुछ स्टूडेंट होता है जिसको एक बार समझा दीजिए वो हमेशा ध्यान में रखेगा, इसको कहते हैं फेरो। क्या कहते हैं? फेरो, याद है। तीसरा, एक जो पदार्थ था उसको क्या करते थे, उसको मैग्नेटाइज करते थे, थोड़े देर में वो डीमैग्नेटाइज होता था, मतलब क्लास में है तो उसका दिमाग सेट हुआ, क्लास से बाहर गया उसके दिमाग से सब बात उड़ गया, याद आया। इस तरह का भी एक बच्चा होता था, याद कीजिए उस बच्चे का क्या नाम था, जल्दी बताइए, जो क्लास में तो मैग्नेटाइज होता था, बाहर जाके डीमैग्नेटाइज हो जाता था, क्लास में तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जब देते हैं उसका डायपोल सीधा होता है, मैग्नेटिक फील्ड हटाते हैं डायपोल हट जाता है, उसका डायपोल इधर उधर हो जाता है, कोई भी चीज चुंबक कैसे होता है, बच्चों जो पहली बार देख रहे हो दूसरी बार देख रहे हो, कोई भी चीज चुंबक कैसे होता है, जब उस पे जब आप मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं और वो उसका जो डायपोल है एक डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाता है तभी वो मैग्नेटाइज होता है, तभी वो क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है। क्लियर है? अरे हाँ या ना, क्लियर है ना, पक्का? जोर जोर से बहुत बोल देते हैं, एनर्जी थोड़ा सा लॉस भी हो जाता है और गला पे भी असर पड़ जाता है, पर फिर भी आप कोशिश करेंगे धीरे बोलने का, आप लोग भी उधर से बोलिएगा सर थोड़ा धीरे बोलिए, ठीक है। तो ये जल्दी बोलिए ये क्या होता, पारा, पारा अभी चपटा नहीं आया है, ये हुआ पैरामैग्नेटिक, ये हुआ पैरामैग्नेटिक। ज्यादातर स्टूडेंट ऐसा ही होता है, क्लास में उसको बोलो रे बाबू पढ़े नहीं छे रे बर्बाद भेज मेरे, उसको लगा ना ना मास्टर एकदम सही बोल रहा है हम सही में नहीं पढ़ते हैं, क्लास से बाहर गया अब फिर वही रागल अपना शुरू एकदम उसका, ठीक है। चौथा, एक जो था उसको क्लास में हम बोलते थे अच्छा बात, वो उल्टा रिएक्ट करता था, वो उल्टा रिएक्ट करता था, याद करो हम उसको बोलते थे बढ़िया बात, वो उल्टा रिएक्ट करता था, याद आया। कुछ बच्चा ऐसा भी था उसको हम बोलते थे बढ़िया बात, कि अरे पढ़ो सिलेबस तो देखो किताब तो देखो तब ना पता चलेगा कि तुम क्या अच्छा सीखे क्या गलत सीखे, वो उल्टा रिएक्ट करता था, ये भ्रिम ढूम ढम ढम ढम, याद आया। वो कौन सा था जल्दी बताइए, अपोजिट वाला कहता है मेरे जैसा तो एक बच्चा कहता है सर मेरे जैसा था, कौन था भाई? जल्दी जल्दी दो जवाब दो, डाया, वेरी गुड। तुम लोग जबरदस्ती चपटा चपटा लिखे, वो चपटा नहीं था वो डाया था, डाया मैग्नेटिक, याद आया। और पांच नंबर जो था, क्या नंबर, पांच नंबर जो था उसको कुछ कर लीजिए उसके इस पे कुछ असर नहीं पड़ता था, जिसके अंदर में पत्थर, उसको मर जाओ बोल बोल के, उसके मम्मी पापा भी परेशान, टीचर परेशान, उस पे उसका टस से मस नहीं होता था, वो था चपटा, उसको कहते थे चपटा, याद आया, उसी को कहते थे। तो ये हुआ नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। तो इतना जो कंसंट्रेट करके समझ लेगा ना, बहुत सारा चीज तो समझ ले, हम लोग को फेरो डाय और पैरा में तो फटाक से अंतर समझ में आता है। फेरो जो एक बार मैग्नेटाइज किए ज्यादा, मैग्नेटाइज मतलब क्या हुआ यहां देखिए, मैग्नेटाइज क्या होता है, मैग्नेटाइज पदार्थ लिए चुंबकीय क्षेत्र लगा दिए, उसका जो डायपोल सब था एक डायरेक्शन में घूम गए, इसी को कहते हैं मैग्नेटाइज हो जाना। क्या कहते हैं? मैग्नेटाइज हो जाना। क्या कहते हैं? मैग्नेटाइज, चुंबकीकृत हो जाना। क्या कहते हैं?
चुंबकीकृत हो जाना, इसी चीज को क्या कहते हैं चुंबकीकृत, उसका डायपोल सब एक डायरेक्शन में जो हो गया। तो फेरो क्या क्या होता है, वो बड़ा वो मैग्नेटाइज होता है और अच्छा खासा समय तक मैग्नेटाइज रहता है, वो मैग्नेटाइज होता है और अच्छा खासा समय तक मैग्नेटाइज रहता है। क्लियर हो गया, ये हो गया कौन सा फेरो। पैरा में क्या होता है, आप मैग्नेटिक फील्ड लगाइए सीधा होगा फिर थोड़ा देर के बाद घूम जाएगा, और डाय में क्या होता है उल्टा होता है। तो यही तीनों का अंतर पिछले साल पूछा जा चुका है, इस साल पूछने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी एक नजर आज जाके आप देख लीजिएगा तो आपको आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं मेन मेन जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला पॉइंट्स है उस पे। मैग्नेटिक डायपोल आपको पता है, ये देखिए इसी को कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल, एम बराबर आई ए पढ़ाए थे। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, दुनिया में जितना भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है ठीक है, उससे एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पैदा होता है कोई भी। उसके लिए आपको एक मिनट में हम आप फॉर्मूला दे रहे हैं। देखिए जब इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, रेडियस कितना है आर, वेलोसिटी कितना है बी, तो डायपोल मोमेंट बराबर होता है, डायपोल मोमेंट बराबर होता है आई गुना ए। आई बराबर क्या होता था, चार्ज बटे टाइम, चार्ज क्या है हमारा ई, टाइम क्या है 2πr/v, याद आया 2πr, इसको चक्कर लगा 2πr दूरी है, भी वेलोसिटी चल रहा है तो, और एरिया हो गया πr² पाई पाई कैंसल, आर आर कैंसल, eVr/2 मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया eVr/2। ई है इलेक्ट्रॉन, भी है उसका वेलोसिटी, आर है रेडियस, और टू तो टू है ही eVr/2। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, लिख लीजिएगा मैग्नेटिक डायपोल, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो घूमता है तो उसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला, मैग्नेटिक चार्ज ये पढ़ाया हुआ अभी तुरंत पढ़ाए, उस पर समय देना, रीजन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो सब अभी तुरंत बताए। मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, देखिए किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को एक दिशा में मोड़कर चुंबकीय गुण प्राप्त करना चुंबकीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है चुंबकीकरण, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर VVI, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। सर किसको कहते हैं मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, ध्यान से देखना, आई बराबर होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, याद रखिएगा आई बराबर होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, आई बराबर मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इकाई मैग्नेटिक फील्ड, इकाई चुंबकीय जो वॉल्यूम है उसमें जो कुल मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न हुआ है वही एम बाय वॉल्यूम, ये हुआ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, और भी हुआ वॉल्यूम, ठीक है। अब इसी से एक और चीज होता है जाय, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, क्वेश्चन हम यूट्यूब पे भी डाले थे और आज हम उसका आंसर भी आप लोगों को बताने वाले हैं। जाय बराबर I by H, याद होना चाहिए आप लोगों को, ये स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। I बराबर M by volume, इसका यूनिट भी बहुत जरूरी होता है, यूनिट इसका, इसका हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर बाय मीटर क्यूब, एक मीटर एक दो गो मीटर से ये गो मीटर, एम्पियर पर मीटर, याद रखिएगा, याद आ रही है, याद आ रही है,
आई बराबर ए एम इसका यूनिट आ रहा है याद आ रहा है। अरे भाई कितना घटिया गा रहा है, जल्दी से देख के बताओ भाई। एम्पियर पर मीटर याद रखिएगा बबुआ, हम तो थोड़ा सा अब थक गए हैं। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर ऑफ बार मैग्नेट, ये अब हम आपको बस सीधे निलय ले जाते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर, जो कि एकदम एकदम इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स वाला के लिए एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। याद की इसको जाय से सूचित करते थे, तो फॉर्मूला याद आया जाय बराबर आई बाय एच, जाय बराबर आई बाय एच। थक करके हालत खराब हो चुका है, ठीक है, मेरे पास तो उतना एनर्जी भी नहीं है। याद कीजिए जाय बराबर आई बाय एच। अब समझाते हैं, एक मिनट में समझ जाइएगा। कोई एक मटेरियल, ठीक है, अब इस पे हम एक मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगाए, कितना भैया एच, कितना लगाए एच, याद रखिएगा कितना लगाए एच, ठीक है। उसके चलते इसमें डायपोल मोमेंट घूम गया और एक मैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन वेक्टर उत्पन्न हुआ आई, तो इस दोनों के रेशियो को ही कहते हैं जाय। तो जाय बराबर आई बाय एच, यानी कि जाय जाय मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जाय बराबर आई बाय एच, यानी कि जितना मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हुआ है वो कहां से आया है, वो इस आई की वजह से आया है। तो जितना उधर डायपोल घूमेगा, जितना कम फील्ड देने पे डायपोल घूम जाएगा, उतना उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक है। कोई भी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब क्या हुआ, वो जितना आसानी से मैग्नेटाइज हो जाए, वो जितना आसानी से क्या हो जाए मैग्नेटाइज। तो आप कम फील्ड दे करके ज्यादा मैग्नेटाइज कर दिए जाए बराबर आई बाय एच, ये एक यूनिटलेस चीज है। तो इसका यूनिट पूछा जा सकता है यूनिटलेस। और हम एक बार पूछे थे वैक्यूम का जाय कितना होगा, जल्दी जवाब दीजिए वैक्यूम का जाय कितना होगा। ऑप्शन आंसर जल्दी, इसका आंसर जल्दी चाहिए हमको। हर्ष बाबू जल्दी, हर्ष बाबू खगड़िया, नहीं हम सही रहेंगे बाबू, मेरा तबियत खराब भी हो जाएगा, परीक्षा नहीं रुकेगा, आप जवाब दो जल्दी। हाँ आज तो बच्चा लोग जवाब दे रहा है सही, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा पता है, 0। याद रखिए परीक्षा में बच्चा दे देता है 1, हम दिए हुए हैं अपना यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा, मेरा कम्युनिटी में क्वेश्चन बीच बीच में आते रहता है, कम्युनिटी में जाके चेक कीजिएगा इस चीज का। इसका आंसर क्या है, 0, क्योंकि जब आप दिए ही नहीं, जब आप दिए मतलब मटेरियल ही नहीं है, तो कहां से आई उत्पन्न हो जाएगा भाई, तो वैक्यूम है कुछ है ही नहीं, तो वहां कहां से आई उत्पन्न होगा, आई होगा ही नहीं, तो जाय का मान क्या होगा, 0 होगा। आई बात समझ में, इस बात को एकदम याद रखिएगा कि वैक्यूम के लिए जाय का मान होता है 0, ठीक है। अब थोड़ा सा खाली रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी एक बार हम आपको खाली तुरंत समझा देते हैं, ठीक है, याद कीजिएगा। म्यू आर बराबर होता है म्यू एम बाय म्यू नॉट, ठीक है, और म्यू एम बराबर हो जाएगा, या एकदम ये फॉर्मूला, ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए हर समय, ठीक है। म्यू एम बराबर होता है म्यू नॉट 1+ जाय, ये भी फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ये सब फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी सब चीज का प्रूफ करना संभव नहीं है,
ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI इसका बहुत उपयोग होता है। अब हम आपसे पूछते हैं कि पैरा और डाय, इस पे ध्यान देते हैं, ठीक है, क्योंकि पैरा फेरो, चलिए फेरो भी लिख देते हैं इधर, फेरो, फास्ट फास्ट जवाब दीजिएगा। पारा का आई जो है, आई, पारा का जो आई होता है वो पॉजिटिव होता है कि निगेटिव? इसमें से निगेटिव आई किसका होता है? आई, आई का मान निगेटिव किसका होता है? पारा और डाई में आई का मान निगेटिव किसका होता है? जल्दी जवाब दीजिए, 5 मिनट, आप ज्यादा देर लेंगे नहीं, आप छुट्टी दे देंगे, ठीक है, 2 मिनट और पढ़ा करके छुट्टी दे देंगे, पर जल्दी इसको देख करके, कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप बता दीजिए, फिर हम छुट्टी दे देंगे। यस यस, अब छोड़ देंगे। तो देखिएगा, हाँ वेरी गुड, जवाब आपका सही है। इसका आई जो होता है ग्रेटर देन जीरो और इसका आई जो होता है लेसर देन जीरो, याद रखना, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, फिर आप फंस जाइएगा, इसीलिए खाली हम दे रहे हैं और कुछ बात नहीं, ठीक है। अब जाय बराबर है आई बाय एच, तो इसका जाय भी पॉजिटिव होगा और इसका जाय भी निगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो उल्टा ना हो गया था, इसीलिए उसका क्या हुआ, निगेटिव, ठीक है, ये याद रखिएगा, अभी स्क्रीनशॉट लिखवा देंगे, बस चल जाइएगा। अच्छा, तो भाई इसका आई क्या होता है, वेरी वेरी ग्रेटर देन, और जाय क्या होता है, वेरी वेरी ग्रेटर देन जीरो, फेरो का सबसे अधिक, फिर पारा कम। अच्छा, अब यहां ध्यान दीजिए, अब यहां म्यू आर का बात करते हैं, इसका जो म्यू आर होगा, इसका देखिए म्यू आर बराबर क्या हो गया, यहां म्यू एम बाय म्यू नॉट बराबर प्लस जाय, ठीक है, यहां देख लीजिए, इसको इधर कर दीजिए, 1 प्लस जाय, तो इसका जो म्यू आर होगा, इसका जो म्यू आर होगा, म्यू आर, इसका जो म्यू आर होगा वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, और इसका जो म्यू आर होगा, इसका जो म्यू आर होगा वो ग्रेटर देन होगा और इसका म्यू आर लेसर देन 1 होगा। इसमें भी बहुत बच्चा लेसर देन 0 दे देता है, ये गलतियां नहीं करना है। इसका जो डाया का जो होगा, डाया का जो म्यू आर का मान होगा, म्यू आर बराबर 1, अच्छा जाय का मान निगेटिव है तो 1 माइनस कुछ होगा, तो ये लेसर देन 1 करना है, लेसर देन 0 नहीं करना है, इसमें क्या कर देना है, लेसर देन 1। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, VVI ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम रामबाण का काम करेगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए ये किस चीज का काम करेगा, रामबाण का, ठीक है। एक क्यूरीज लॉ बचा है शॉर्ट आंसर में, उसको भी हम डील कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है, आपके हर एक लाइक को हम पसंद समझेंगे, आप हर एक अपना एक कीमती डेटा टाइम मेरे साथ दे रहे हैं, आपके हम सदा आभारी रहेंगे, शुक्रगुजार रहेंगे। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जरूर मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, पर थोड़ा समय एक बार जरूर सोचिएगा कि आपने फिजिक्स पे कितना समय दिया है, ठीक है, क्लासरूम, क्लासरूम के बाहर रूम में, तभी थोड़ा सा आपको अच्छा मार्क्स आएगा, सारे सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स आना बहुत जरूरी है। बाय बाय, टेक केयर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिलते हैं अगले धुआंधार लेक्चर में, मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव एक लेक्चर में पूरा, मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव एक लेक्चर में पूरा, एक बार अब उसको भी कंप्लीट कर देते हैं, फिर थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के बारे में भी थोड़ा समझ में आना चाहिए, हमसे कितना गलती हो रहा है, लॉन्ग आंसर के बारे में तो बहुत दिन से बात चल रहा है, एक अब ऑब्जेक्टिव का धुआंधार क्लास ले लेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू हर्ष, थैंक यू अनिकेत,
सबको धन्यवाद। अनु मोदी थैंक यू, बीडीएस टेक्निकल थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। प्रिंस कुमार धन्यवाद, आप लोग इतना मेहनत से जुड़ते हैं, मेरे साथ लगे रहते हैं। अनिकेत हम देखकर लाइक करने वाले नहीं है सर, हम शेड्यूल होने पर लाइक करते हैं। ठीक है अनिकेत, आप लोग का वही जो शेड्यूल करने के बाद लाइक हो जाता है उससे और मजा आ जाता है पढ़ाने में। थैंक यू, चलिए बाय बाय, गुड नाइट।